नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट इशू आपके लिए लेकर आए हैं सामने। दोस्तों, कई लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर दिए हैं, और रिटर्न फाइल ही नहीं बल्कि इसको वेरीफाइड भी कर दिया, और उनकी ITR जो है वो प्रोसेस भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके बैंक अकाउंट में उनका जो इनकम टैक्स रिफंड है, जो उन्होंने क्लेम किया था, वो अभी तक नहीं आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सभी लोगों को ज्यादातर जो है वो मेल आ रहे हैं, और यह बताया जा रहा है कि आपका जो रिफंड है वो फेल्ड हो चुका है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इश्यू है, वो बहुत सारे टैक्स पेयर को आ रही है, जिसके बारे में एक से दो दिन के अंदर अंदर ये सारे मेल्स जो है वो भेजे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जिसके अंदर बताया जा रहा है किन कारण के वजह से आपका जो रिफंड है वो अभी तक नहीं आया है, या आपका जो रिफंड है वो फेल्ड हो चुका है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इशू है जो ज्यादातर लोगों को आ रहा है, शायद हो सकता है आपके केस में भी आ रहा होगा। आप जल्द से जल्द अपने मेल को जरूर चेक करें, क्या आपका रिफंड आया है या नहीं आया है, और नहीं आया है तो क्या वो ही सेम कारण है जिस वजह से नहीं आया। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस इश्यू के बारे में कवर करने वाले हैं, इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है जिसको लोगों द्वारा बताया गया है, और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी कैसे देंगे, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर एक्शन ले सकता है, आइए जानते हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ही बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है, जिसके बारे में भी बताया जाएगा। आपका रिफंड अगर अभी तक नहीं आया है, आपका रिफंड नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी अवेयरनेस बढ़े। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो क्या मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है फिलहाल अभी टैक्स पेयर फेस कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको मेल किया जा रहा है, रिटर्न फाइल होने के बाद आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, आपका बैंक भी वैलिडेट हो चुका है, लेकिन रिफंड आपको नहीं मिल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जो मेल किया जा रहा है, जिस मेल के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपका जो रिफंड है वो फेल्ड हो गया है, और आपको रेज करनी पड़ेगी रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट, जिसके अंदर स्टेटस बताया जा रहा है कि आपका रिफंड जो वो फेल्ड है, कौन सी डेट ऑफ कम्युनिकेशन पर ये मेल आया है, वो डेट भी साथ में है, और इसके साथ साथ आपको रीजन भी बताया गया है कि आपका IFSC कोड जो है वो इनवैलिड है। आपने जो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो डाला था, वो IFSC कोड आपका इनवैलिड है, इस वजह से आपका जो रिफंड है वो फेल्ड हो चुका है। आपको फिर से रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी ताकि आप अपना रिफंड जो है वो मंगवा सके। ध्यान रखिएगा, रिफंड उन्हीं ही मिलेगा जिनका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए, और ECS के थ्रू ही बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा आएगा। इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सही होना चाहिए, आपका IFSC कोड जो है वो सही होना चाहिए, और आपने जो टाइप चुना है, चाहे सेविंग है, करंट, जो भी आपका अकाउंट है, वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। आपका पैन लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से, तभी आपका जो बैंक है वो वैलिडेशन होगा, और इसी कारण वजह से आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक कॉमन एरर जो सभी को आ रही है, ज्यादातर टैक्स पेयर को, कि उनका जो बैंक का IFSC कोड है वो इनवैलिड बता रहा है। अब एक या दो को प्रॉब्लम आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इशू बहुत लोगों को आ रहा है, कई लोगों को ये ज्यादातर सेम इशू आ रहा है, जिस वजह से अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही इशू सभी लोगों को कैसे आ सकता है, यानी एक ही समय पर सभी बैंक अकाउंट के IFSC कोड कैसे इनवैलिड हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एरर जो सभी को आ रही है, ये मेल द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये सभी टैक्स पेयर को जो है बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके क्या सजेशंस सभी टैक्स पेयर ने दिए हैं, प्रॉब्लम रेस करते वक्त क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन जो वो दिए गए हैं। आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या अल्टरनेटिव आपको करना है। अब बात करते हैं लोगों के सजेशन के बारे में, क्या क्या सजेशन इस मेल को लेकर दिया जा रहा है, इनवैलिड IFSC कोड रिगार्डिंग ये जो मेल आ रहा है, तो लोगों द्वारा क्या क्या सजेशन इसमें दिया जा रहा है।
कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि ये जो मेल है वो एक दो क्लाइंट नहीं बल्कि बल्क में क्लाइंटों को दिया जा रहा है, यानी एक दो को ये इशू नहीं है बल्कि बहुत लोगों को ये इशू है, जिसमें एक ने कहा है कि हो सकता है कि इसमें जो प्रोफाइल सेक्शन है आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल हो गई, यानी आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी जो है वो आपका कई बार बैंक से लिंक रहता है, तो जाकर उसे अपडेट कर ले या उसे अगर आप चेंज कर ले उसके बाद आपका रीवैलिडेट करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपका रिफंड आ जाएगा, रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट भी आप जनरेट कर ले जिसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि आपकी जो बैंक है उसका मर्जर हुआ है या ट्रांसफर हुआ है आपका बैंक का ब्रांच, जिस वजह से ये प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट द्वारा भी ये शायद दिक्कत हो सकती है जिस वजह से आपको ये मेल भेजा जा रहा है, आईएफएससी कोड आपका इनवैलिड है। कुछ लोगों का कहना है कि आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और बैंक जो है वैलिडेट था, लेकिन रिफंड का ये जो मेल देखा जिस वजह से उनका जो बैंक अकाउंट है वो जाकर उन्होंने चेक भी किया इनकम टैक्स पोर्टल पर वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि शायद आपने बैंक अकाउंट नंबर जो वो गलत डाला हो, आईएफएससी कोड आपने गलत डाला हो, जाकर चेक कर लीजिए, या फिर आपने जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो गलत चुन लिया हो, आपका पैन लिंक नहीं है जिस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है इनवैलिड आईएफएससी कोड की। तो कई लोगों का कई सजेशन और कई अलग अलग बातों का कहना है कि आपका आईएफएससी कोड इनवैलिड जिस वजह से आपका बैंक फेल्ड हो रहा है, तो आप जाकर करेक्ट कर लीजिए बैंक को, वापस नया तरीके से ऐड करके वैलिडेट करके वापस इसको चाहे तो रीवैलिडेट कर दे और उसके बाद आप इसकी रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट कर दे ताकि आपका जो पैसा है वो वापस आ जाए। तो दोस्तों बहुत लोगों का जो सजेशन है वो निकल के आ रहा है। आइए हम आपको मेन कारण बताते हैं जिस वजह से ये आईएफएससी कोड जो है वो फेल्ड हो रहा है। क्या लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं क्या इन्हीं कारणों के वजह से आपका जो बैंक का पैसा है यानी आपका जो रिफंड अमाउंट है क्या वो फेल्ड हो रहा है या कोई और ही कारण है, आइए जानते हैं। आइए अब बात करते हैं एक्चुअल रीजन क्या है जिस वजह से आपका बैंक अकाउंट जो है वो फेल्ड बता रहा है, यानी आपका जो रिफंड है वो फेल्ड हो रहा है ड्यू टू इनवैलिड आईएफएससी कोड रिलेटेड। दोस्तों आप जाकर इस मेल को एक बार फिर से जरूर चेक करें और इसके अंदर दिया गया जो आईएफएससी कोड है उसके डिजिट चेक करिए। 10 डिजिट का आईएफएससी कोड आपको मेल में दिख रहा होगा, लेकिन जबकि जो ओरिजिनली सभी बैंकों का जो आईएफएससी कोड है जो 11 डिजिट का होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 11 डिजिट का आईएफएससी कोड प्रोसेस नहीं कर रहा है जबकि 10 डिजिट का आईएफएससी कोड प्रोसेस कर रहा है, जिस वजह से आपका जो बैंक है वो फेल्ड हो रहा है रिफंड के लिए क्योंकि आपका इनवैलिड आईएफएससी कोड आ रहा है। जाहिर सी बात है अगर 11 कोड के बदले अगर 10 कोड ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो अगर पकड़ रहा है जिस वजह से आपका जो रिफंड है वो 100% नहीं आएगा। ये केस जो है वो सिर्फ सिंगल आदमी को नहीं आ रहा है बल्कि बहुत लोगों को आ रहा है और सभी लोगों की अलग अलग बैंकें हो सकती है। तो जरूरी तो नहीं है कि एक ही समय में सभी बैंकों का जो या तो मर्जर हो गया हो या सभी बैंकें जो वो ट्रांसफर हो गई हो, ये तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल में ये दिक्कत ये गड़बड़ी आ रही है जिस वजह से इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो 10 डिजिट का आईएफएससी कोड पकड़ रहा है जबकि उन्हें 11 डिजिट का आईएफएससी कोड जो है वो कैप्चर करना था, जिस वजह से आपको ये सभी मेल आ रहे हैं। तो आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है, आपका आईएफएससी कोड प्रॉपर है, बैंक ब्रांच में भी जाकर एक बार आप चेक करा सकते हैं अपना आईएफएससी कोड कहीं चेंज तो नहीं कर दिया। हो सकता है कुछ केसेस के अंदर आईएफएससी कोड चेंज हुआ हो या कुछ केस में मर्जर हुआ हो, लेकिन सभी के केस में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ से आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस चीज को जो वो सुधार करना चाहिए। आइए अब जानते हैं आप अपनी तरफ से इनकम टैक्स को ये कैसे बताएंगे, कहां आपको इसके बारे में बताना होगा, क्या क्या डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इनकम टैक्स की नजर में ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द आए और उस पर यहां पर सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकल के आए, जिसके लिए आप सभी को क्या करना है, आइए इसके बारे में पॉसिबल एक्शन के बारे में, यानी क्या क्या एक्शन जो है वो आपको लेने चाहिए। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है सीपीसी की, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करके उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दें। मेल आईडी दी गई है, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपका कोई जवाब नहीं सेटिस्फेक्शनली आपको मिल रहा तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ग्रेवियांस डाल सकते हैं। ग्रेवियांस के अंदर आप सीपीसी को चुन लीजिए और जिसके अंदर आप अपना इशू जो है वो लिख लीजिए। ग्रेवियांस देने के बाद आप इनकम टैक्स में मेल भी कर सकते हैं ORM@incometax.gov.in पर, जिसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल देनी है, आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, इसके अलावा आप जो भी आपका इशू है उसका स्क्रीनशॉट इसमें ऐड कर दें, कौन से समय में आपको ये मेल आया है, इस मेल रिगार्डिंग अगर आपने कोई टिकट जनरेट करी है, ग्रेवियांस जनरेट किया है, तो वो टिकट नंबर भी इसमें दे दें। आपका जो भी स्पेसिफिक इशू है थोड़ा सा इसको डिटेल में जरूर आप बता दें कि आपका जो रिफंड है वो नहीं आया है ड्यू टू इनवैलिड आईएफएससी कोड, लेकिन आपका जो आईएफएससी कोड है वो ऑलरेडी सही है, आप अपना करेक्ट आईएफएससी कोड, अपना बैंक ब्रांच, ये सारी डिटेल जो है वो उस मेल के अंदर जरूर कर दें। आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये भी जरूर आप मेंशन कर दें ताकि इनकम टैक्स को कोई भी दिक्कत ना हो आपका इश्यू समझने के लिए। ये ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस पर मेल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रेवियांस आएगी तो इनकम टैक्स इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले पाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स द्वारा भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल की है जहां पर ये ग्लिच आया है, तो उस ग्लिच को सुधारना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रेवियांस डाले ताकि इनकम टैक्स की नजर में ये इशू जल्द से जल्द निकल कर आए और उसका सॉल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। अब हम आपको बताते हैं एक और सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप अपनी दूसरी बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर लें, या अगर आपके पास जॉइंट बैंक अकाउंट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट बैंक अकाउंट या नई बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं या फिर पुरानी बैंक जो है उसको रीवैलिडेट कर रहे हैं तो एक बार कुछ डिटेल जरूर चेक कर लें, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर है वो एक बार जरूर चेक कर लें, आईएफएससी कोड है जो बैंक में जाकर पता करें क्या कोई आईएफएससी कोड में चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार जरूर अपने कंफर्मेशन के लिए जरूर चेक करें। टाइप ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करते वक्त सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये जरूर ध्यान रखें। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आपकी मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, वो प्रॉपर होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में भी, और आपका जो पैन है वो लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, अगर नहीं है तो प्लीज जल्द से जल्द उसको लिंक करवा ले। आप चाहें तो अपनी केवाईसी भी करवा ले बैंक अकाउंट की ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो रिफंड आने में। इसके बाद आप नया बैंक अकाउंट या तो ऐड कर ले अनदर, या फिर जो भी आपका पुराना बैंक अकाउंट है इसको रीवैलिडेट कर ले। रीवैलिडेट आपको कैसे करना है, जिसके लिए आप माई बैंक अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर रीवैलिडेट यानी फेल्ड बैंक अकाउंट होगा, वहां पर ऑप्शन आएगा रीवैलिडेशन के लिए, आप उस पर क्लिक कर दे। जैसे रीवैलिडेशन आ जाएगा वहां पर आपसे बैंक अकाउंट सभी डिटेल जो आपने ऑलरेडी फिलअप करी थी वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। टाइप ऑफ अकाउंट सिलेक्ट कर ले और एक बार जो है वो ऐड करने के लिए प्रोसेस कर दे, जिस पर आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के देने के बाद आपका जो बैंक है वो वैलिडेट हो जाएगा यानी वैलिडेशन के प्रोसेस में आ जाएगा। अब आपको जो स्टेटस दिखाई देगा, वैलिडेशन आपका इन प्रोग्रेस में, रिफंड अभी इसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक वैलिडेशन नहीं होगा। एक बार वैलिडेशन हो जाएगा, आपने नॉमिनेट अगर कर दिया बैंक अकाउंट को, तो उस केस में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैलिडेशन जो है वो कर सकते हैं। आप चाहे तो नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। नया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट ऐड पर जाइए, इसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में वापस आप सही से नंबर वही डालिए बैंक अकाउंट नंबर। टाइप ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा टाइप अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, इसके अलावा प्राइमरी अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, ये भी आप सही से चुनिए। आईएफएससी कोड जैसे ही डालेंगे आपकी बैंक और ब्रांच दोनों ही आपको दिखाई देगी। कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर चेक कर ले, आप चाहते हैं तो इसको नॉमिनेट कर सकते हैं रिफंड के लिए, तो वो भी आप कर ले ऑन। कॉन्टैक्ट के बाद आपका जो जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपका ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, आपके मेल आईडी पर, इसको डालने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आपने बैंक अकाउंट ऐड करना भी सीख लिया और इसको रीवैलिडेट करना है तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ऐड और रीवैलिडेट करने के बाद एक बार आपका बैंक जो है वो वैलिडेट हो जाता है, जिसके बाद आप वापस रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट जो है वो जरूर करें, ताकि अगर आपने रिटर्न भर दिया है प्रोसेस हो गया है लेकिन रिफंड री इशू करना आपके लिए जरूरी है। जिन लोगों ने आईटीआर नहीं भरा उन लोगों के लिए रिफंड रीइशू नहीं करना है, लेकिन जिन्होंने आईटीआर फाइल कर दी है उन्हें वापस रिफंड रीइशू करना होगा अगर आपको ये एरर दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया, अगर आपका रिफंड जो है वो नहीं आ रहा
ड्यू टू इनवैलिड आईएफएससी कोड, तो आपके इसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्शन आपको लेना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपनी बैंक जो है वैलिडेट करें तो आईएफएससी कोड जरूर एक बार क्रॉस चेक जरूर करें अपने बैंक ब्रांच में जाकर। अगर कोई चेंज हुआ है तो नया आईएफएससी कोड है वही बैंक ऐड करते वक्त जरूर दे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल था। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का ये वीडियो ही खत्म करते हैं, धन्यवाद।